दूसरे सभी ब्रांड की 8-bit है या क्लासिकल गेम है या रिमोट गेम है, सभी का लिंक डाल देंगे। आपको जोन सी पसंद हो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी सील काट देते हैं। फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट जो है नॉन रिटर्नेबल होते हैं, मतलब एक बार आपने परचेज कर लिया, आपके पास आ गया, तो आप इसको वापस नहीं कर सकते अनलेस ये कहीं से खराब हो या डिफेक्टिव हो। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि अमेज़न ने जो है हमें इस पैकेज के अंदर क्या भेजा है। क्वालिटी तो हमें अच्छी ही लग रही है, दिखने में भी काफ़ी सुंदर है, और ये हमारी पहली ब्रांडेड 8-bit वीडियो गेम है। हमारे पास जो है सस्ती वाली चाइनीज कह सकते हैं, जो कि 800-900 रुपए की आती है, वो भी है, पर ये जो है हमें काफ़ी सुंदर भी लग रही थी और काफ़ी बढ़िया भी लग रही थी। तो चलिए इस बॉक्स को हम बाहर निकालते हैं। तो आप जो है मिताशी गेमिंग गेम कंसोल का जो है फर्स्ट लुक देख सकते हैं। तो यहाँ पर मिताशी की सील लगी हुई है, तो इसका मतलब ये एक बार भी खोली नहीं गई है। ये इसके फीचर है फ्रेंड। सबसे अच्छी बात जो है इसमें जो है आपको वायरलेस रिमोट मिलेगा, 6 मंथ की वारंटी है, और इसमें जो है 8-bit की आप कार्टिज डाल सकते हैं या गेम की कैसेटा डाल सकते हैं। ये भी लिंक डाल देंगे, अगर आपको ऑनलाइन मंगवाना हो तो आप मंगवा सकते हैं। तो ये देखिए, ये इसके प्राइस है जो कंपनी ने रखा है, तो 2250 रुपए के आसपास ये प्राइस रखा है। और इस बॉक्स के अंदर आपको एक गेमिंग कंसोल मिलेगा, 2 जॉयस्टिक मिलेंगे, एक बेस स्टैंड, यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड और एक 1.5 मीटर AV केबल और एक अडेप्टर मिलेगा। तो चलिए इसकी भी सील काट देते हैं और फिर देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है। फ्रेंड्स, हॉनेस्ट रिव्यू के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सेलर हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फ्री रिव्यू के लिए। और फ्रेंड्स, आपको ऑनलाइन जो है 8-bit गेम जो है फुल HD फॉर्मेट भी मिल जाएगी, और मुझे नहीं पता उन्होंने वो कैसे सेटिंग की हुई है। उसका जो प्राइस जो है 2500 से लेकर 3000 रुपए के बीच पड़ता है, या 4000 रुपए भी पड़ सकता है, वो डिपेंड करता है कि एक प्रकार की फ्लैश ड्राइव में जो है वो गेम आती है। तो ये हमने सील काट दी है। इस पे कंपनी 6 मंथ की वारंटी दे रही है, पर हमें लगता है कि आप इसको थोड़ा केयरफुली हैंडल करें। पहले जो है हमें यूजर मैनुअल मिला है, टिप्स एंड ट्रिक्स, पर आपको इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप बड़ी आसानी से इसको सेटअप कर सकते हैं। अमेज़न को मैं एडवाइस देना चाहता हूँ कि एक प्रॉपर इसका बॉक्स और डालें, ताकि इसके जो बॉक्स है या इसके अंदर जो गैजेट है वो सेफ रहे। तो आजकल जो है अमेज़न ने एक नई पॉलिसी लॉन्च की है कि मिनिमम पैकिंग, और जो भी है वो बिल्कुल एक सिंपल रैपर करके भेज देते हैं। मेरी एडवाइस है कि प्लीज़ एक बॉक्स हो ऊपर, जिससे जो हमारा ये पैकिंग है या कुछ भी है वो खराब ना हो। तो देखते हैं, अब इसको बाहर निकालते हैं। दिखने में तो ये बहुत ही सुंदर और प्रीमियम लुक है, और जैसे आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी स्टाइलिश है। तो चलिए फ्रेंड्स, चेक करते हैं इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिला है। तो ये हमारा जो है अडेप्टर हो गया, इसमें मिताशी लिखा हुआ है, 5 वाट विद द 500 माइक्रो एम्पेयर आप कह सकते हैं, और ये हमारी AV केबल है। 8-bit गेम्स है वो AV पोर्ट से ही चलती थी, और ये हमारा जो है मेन गेमिंग कंसोल है। तो आप इसके फंक्शन समझ लीजिए, यहाँ से तो ये पावर बटन है, मतलब इसको पावर देने के लिए, और ये जो है रीसेट का है। यहाँ से आपका DC अडेप्टर लगेगा जो कि इसके साथ आया है, और ये जो है पॉइंट आप देख रहे हैं, ये इसके साथ जो आई है AV केबल वो ही लगेगी, मतलब दूसरी जो मार्केट में AV केबल आती है वो इसमें नहीं लगती है, आपको ऐसी केबल संभाल के रखनी होगी। और ये जो है इसका IR सेंसर है, मतलब इसके साथ जितने भी ये वायरलेस गेम रिमोट आए हैं ये इससे वायरलेसली कनेक्ट होंगे, तो आपको कोई भी पोर्ट नहीं मिलेगा जिससे आपको गेमिंग रिमोट लगाना हो। जैसे आप पुरानी वीडियो गेम में देखोगे तो यहाँ पर पोर्ट लगे हुए हैं, पोर्ट मिलेंगे आपको, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, जस्ट आपको ये वायरलेस गेम रिमोट से खेलना है। ये बहुत ही अच्छी बात है, आपके बच्चे जो है अपने TV से जो है काफ़ी दूर, मतलब 4 या 5 फीट दूर बैठकर भी गेम खेल सकते हैं। अगर आपके TV का साइज जो है 14 इंच है, 50 इंच है, तो फिर ये चीज़ें जो है बहुत ही मायने रखती हैं। आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर जवाब देंगे। ये देखिए,
ये जो है इसका गेम कार्टिलेज स्लॉट आप कह सकते हैं। तो इसके अंदर जो है ऑलरेडी क्लासिकल गेम्स है, कम से कम 362 के करीब जो है काफ़ी बढ़िया गेम्स है। तो चलिए इसको अब हम चलाकर देखते हैं। चलाने से पहले जो है आप ये इसके रिमोट के फंक्शन समझ लीजिए। ये तो आपका सेलेक्ट और स्टार्ट बटन हो गया। इसमें जो है एक एक्स्ट्रा बटन दिया गया है, अगर आप इसको दबाओगे तो आपकी गेम जो है रिसेट हो जाएगी और स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगी। तो एक एक्स्ट्रा बटन है, ये आपके एरो टाइप है, मतलब ऊपर नीचे घुमाने के लिए। और जैसे आप 8-bit गेम खेलते हैं, ए बी बटन होता है, ए से जंपिंग या रनिंग हो सकता है, बी से जो है शूटिंग वगैरह, गेम के हिसाब से इनके फंक्शन होते हैं। और ऊपर वाला बटन जो होता है टर्बो बटन होता है, तो इसमें आप देख लेना कौन सा जो है टर्बो है। तो टर्बो में क्या होता है कि जंपिंग जो है वो लगातार जंप करता जाएगा। अगर आप शूटिंग में टर्बो शूटिंग दबाओगे तो वो लगातार बिना बटन को दबाए एक साथ जो है लगातार शूटिंग करता जाएगा। तो चलिए इस गेम को हम चलाकर देखते हैं और फिर इसकी क्वालिटी कैसी है चेक करते हैं। तो हमारा गेम कंसोल जो है टीवी के साथ सेटअप हो गया है। बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। आपको हम थोड़ा सा ब्रीफ में बता देते हैं। जो फर्स्ट है ये आपकी जो है ए बी केबल है, तो हमने जो है यहाँ पर एक प्रकार का कनेक्टर बीच में लगा रखा है। तो आपको जो है ए वी कनेक्टर भी ऑनलाइन अमेज़न पर मिल जाएगा, हम इसका भी लिंक वीडियो के नीचे डाल देंगे। और दूसरी वायर से जो है इसको पावर दी जा रही है, तो हमने इसको पावर दे दी है। तो करना क्या होता है, जस्ट आपने ये पावर बटन दबाना है। जैसे आप पावर बटन दबाओगे, जैसे हम इसको ऑफ कर दिया, इसको ऑन करेंगे और आपका इधर आ जाएगा। इसमें जो है 362 ओरिजिनल गेम्स है, बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छी गेम। मेरे पास जो है इसमें से बहुत सारी गेम्स हैं जो कि मेरे पास खुद भी नहीं है। मेरे पास कई प्रकार के गेम कंसोल हैं, इसके बावजूद भी मेरे पास ये कलेक्शन नहीं है जो इसके अंदर इनबिल्ट है। आप लॉन्ग लाइफ के लिए जो है ड्यूरा सेल डालें और मैं उसका लिंक वीडियो के नीचे डाल दूंगा। तो चलिए कैसे इसको यूज करना है, तो आप जो है यहाँ पर देखिए, तो शायद यहाँ तो काम नहीं कर रहा है, मुझे इसके सामने से करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा अजीब सा है। तो ये देखिए, हम कॉन्ट्रा गेम को सिलेक्ट करते हैं, आपको जो है स्टार्ट दबाना है और ये हमारी गेम स्टार्ट हो गई है। और इसमें जो है एक बात है कि फ्रेंड्स, अगर आपका टीवी एचडी है तो आपको अपने टीवी में जो है फॉर्मेट बदलना पड़ेगा, सोर्स दबा के एवी पोर्ट में टीवी को लाना होगा। तो चलिए आपको डेमो देते हैं गेम का। फर्स्ट प्लेयर हम कर देते हैं, स्टार्ट बटन दबाना है आपने। एक बात हो रहा है फ्रेंड्स कि जो गेमिंग का जो रेशियो है जो आपके एलईडी टीवी पे आएगा, तो वो जो है 4:3 होगा। तो आप चाहो तो टीवी की सेटिंग में जाकर जो है एक्सपेक्ट रेशियो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी अच्छी तरह गेम खेल पाएंगे। वायरलेस जो गेमिंग कंसोल है, मुझे लगता है कि जो वायर्ड गेमिंग कंसोल होते हैं उसमें जॉयस्टिक जो है हमारा थोड़ा फास्ट रिस्पॉन्स करता है। मुझे ऐसा फील हुआ है कि इसमें थोड़ा सा स्लो लग रहा है, और मे भी क्योंकि ये मिताशी के द्वारा कुछ जुगाड़ किया गया है, इसको बनाया गया है, तो हो सकता है कि ऐसा हो। तो ये देखिए, अब हम आपको थोड़ा सा गेम खेल के दिखाते हैं। तो मेरे तो सारे प्लेयर मर गए हैं, तो दोबारा से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। क्वालिटी गेम की काफी अच्छी है, बस यही है कि थोड़ा सा रिस्पॉन्स ये कम लेता है, मतलब थोड़ा सा डिले कर देता है 1 या 2 सेकंड, जो कि नहीं होना चाहिए था। और बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, साउंड क्वालिटी भी अच्छी है। आपको इतना मजा तो नहीं आएगा जैसे आप PS2, PS3 या PS4 में करते हैं, पर ये बच्चों के लिए परफेक्ट है। इसमें जो है बच्चों को एक तो एडिक्शन नहीं होगी गेम की, और दूसरी बात जो है कि बच्चे जो है आराम से खेल सकते हैं, उनकी आंखों पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, ये इसके कुछ यूनिक फायदे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, गेम की लिस्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसमें जो है 362 गेम्स है और बहुत ही यूनिक है, कोई गेम जो है रिपीटेड नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं। और इसमें से कई गेम्स जो है मेरे पास खुद अब तक नहीं है। फ्रेंड्स, हम वीडियो के नीचे जो है अपने अमेज़न पे स्टोर का लिंक डाल देंगे, आप वहां पर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को जो है खरीद सकते हैं। हर प्रोडक्ट की हमने कैटेगरी बना रखी है। और फ्रेंड्स, एक बात और है कि इसमें आप ये देख रहे हैं गेम रिमोट 2, गेम रिमोट 1, तो रिमोट 1 से ही जो है आप इसमें गेम चूज वगैरह कर पाएंगे। मतलब जैसे आप जो है ऐसी गलती ना करें,
जैसे ये है मेरे गेम रिमोट 1 से हो रहा है, मैंने बहुत कोशिश करी गेम रिमोट 2 से करने की पर कुछ भी नहीं हो रहा। तो जितना कोशिश कर ली मैंने, तो जितनी भी गेम्स आपने चूज करनी है, सेलेक्ट करनी है, ढूंढनी है, वो सारा आपके गेमिंग रिमोट 1 से होना है। गेमिंग रिमोट 2 तभी काम करेगा जब आप वीडियो गेम में जो है प्लेयर 2 सिलेक्ट करोगे। तो ये था क्विक रिव्यू मिताशी ब्रांड का गेमिंग इंफ्राजोन एनएक्स गेमिंग कंसोल का। तो आपको जो है वायर्ड वर्जन भी मिताशी में मिल जाएगा, अगर आप वायर्ड वर्जन लेना चाहते हैं तो हम उसका भी लिंक डाल देंगे। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी सुपीरियर है। अगर आपको हम ये सस्ती वाली जो गेम कंसोल आती है इससे साइड बाय साइड दिखाएं तो बहुत अंतर है। ये जो है मैंने 15 साल पहले कम से कम 250-300 की ली थी और आजकल इसका प्राइस जो है 700 या 800 जरूर होगा। प्राइस वाइज देखोगे तो मिताशी की जो ये हमारे पास जो गेमिंग कंसोल आई है तो प्राइस जो है इसका जस्टिफाई है, ओवर प्राइस नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक प्राइस है। और इसके जो फीचर्स हैं वो काफी यूनिक हैं। बस एक ही कंसर्न है कि इसका जो गेमिंग रिमोट है ये आपको सिर्फ इनके सर्विस सेंटर से ही मिलेगा। और दूसरा, 1 या 2 सेकंड का मैंने लैग फील किया है गेम में, जो कि मुझे लगा कि थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है अगर आप 8-bit गेम बहुत खेलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमारी पुरानी वीडियो में जो है रिमोट में बिल्ट इन गेम्स का भी डेमो देख सकते हैं। आपने जो है हमारी पुरानी वीडियो में जो है पीवी स्टेशन लाइट गेमिंग कंसोल का भी डेमो देखा है और हम नई वीडियो में जो है सब ब्रांड की गेम बॉक्स 400 in 1 का भी रिव्यू करेंगे। ये आपको 600 रुपए का पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैं वीडियो के नीचे जो है सभी 8-bit हो या 16-bit हो सभी का लिंक डाल दूंगा, आपको जौन सी गेम पसंद हो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा जो चैनल है सुखदेव तनेजा, इसके नीचे आप रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आपने जस्ट टच करना है तो ये हमारा चैनल सब्सक्राइब हो गया। अगर आप हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट चाहते हैं अपने मोबाइल या टेबलेट पे तो ये बेल वाला आइकन है, इसको आपने टच करना है तो आप जो है सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर या टेबलेट पे आएंगे।